भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे, एक देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इसमें भी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर आज़ादी का नारा लगाना राजद्रोह की तरह है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन के नाम पर आज़ादी के नारे लगाएगा तो यह देशद्रोह माना जाएगा और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यानी उत्तर प्रदेश में आज़ादी का नारा लगाना एक तरह से गुनाह हो जाएगा। एक तरफ पूरे देश में NRC, NPR, CAA का विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है हमारा धर्म नहीं बल्कि हमारा संविधान खतरे में है। इस पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं और उसमें आज़ादी के नारे लगाते हैं तो सरकार मुकदमा कर उन पर कार्रवाई करेगी, ऐसी चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। यानी संविधान जो देश की जनता को अधिकार देता है उस अधिकार को इस्तेमाल करना अपराध होगा। सरकार अपनी ताकत के बल पर दोनों सदनों में कानून पास कर लेती है मगर सड़कों पर जन कानून नहीं है, उन्हें जुटाने की कोशिश कर रही है। एक लोकतांत्रिक देश में जहां बोलने की अनुमति देता है हमारा संविधान और उसे उस देश में आज़ादी शब्द पर बोलने का अब देशद्रोह माना जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है, बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं महिलाओं को चौराहे पर बैठाने की बात कह रहे हैं, आपने सुना, अफसोसजनक बात है। मुख्यमंत्री इस तरह की अपने राज्य के लोगों को कह रहे हैं पुरुष घर में सोए हैं कम्बल रजाई ओढ़कर और महिलाएं बैठी हैं सड़कों पर CAA, NRC, NPR का विरोध करते। क्या इस तरह की बात कहना योगी आदित्यनाथ को शोभा देता है? एक बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की अपमान नहीं है, पूरे देश की महिलाओं की अपमान है। अगर चौराहों की बात करें तो एक बात कहूँगा, उन्हीं चौराहों से उन्हें निकाला जाएगा, उन्हीं चौराहों से वो महिला जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आज CAA, NRC, NPR जैसे कानून ने उन्हें निकाल दिया है। अपने संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए और महिलाओं की जो लड़ाई है उन्हीं चौराहों से लड़ाई है। आपने देखा होगा जो महिला कभी कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं बनी वो आज सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, सरकार के खिलाफ गली गली चौराहे चौराहों से लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है उन्हीं गलियों उन्हीं चौराहों से क्लीन करने की लड़ाई है और आज़ादी पाने की लड़ाई है, अब संविधान बचाने की लड़ाई है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।